नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं मिनी JCW यानी कि जॉन गुप वर्क्स के बारे में। ये भारत में मिलने वाली सबसे पावरफुल मिनी है। इनफैक्ट इससे पावरफुल एक ही एडिशन आता है जो कि काफ़ी लिमिटेड है, तो काइंड ऑफ ये सबसे पावरफुल मिनी है। और अगर आपको ये लगता था या अभी भी लगता है कि इट्स जस्ट लुकिंग लाइक ए स्विफ्ट, तो मेरी ये अर्जी है आपसे कि इस वीडियो का जो ड्राइविंग इंप्रेशन वाला पार्ट है वो ज़रूर देख के जाइएगा। वैसे तो मिनी ओरिजिनली एक फ्यूल इफिशियंट और कम खर्चे वाली कार थी, लेकिन ओवर द टाइम लोगों ने इसके साथ कई एक्सपेरिमेंट्स किए। आज जब मिनी नाम BMW के पास है, तो हम मोस्टली मिनी को एक स्मॉल स्पोर्टी ड्राइवर्स कार के तौर पे जानते हैं। JCW या जॉन गुपर वर्क्स आमतौर पे मिनी का सबसे पावरफुल वर्जन होता है। इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। खैर, जॉन गुपर या JCW की हिस्ट्री पे कभी और बात करेंगे। आज हम बात करते हैं इस गो कार्ट सी फील देने वाली पावरफुल परफॉर्मेंस हैचबैक की। ओके जी, तो सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी में आपको 3 बटन देखने को मिलते हैं, अनलॉक, लॉक और ये बूट जो है उसको अनलॉक करने का। अब यहाँ पे टिपिकली जो लॉक अनलॉक दबाने पे विंडोज़ रोल अप रोल डाउन होती है, वो वाला फीचर भी आपको मिलता है। सनरूफ जो है वो भी ओपन हो जाती है। बाकी मतलब जो चीज़ें हैं चाबी में, ऐसा कुछ भी अलग फीचर नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, चाबी जो है उसकी डिज़ाइन थोड़ी अलग है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रंट में आपको यहाँ पे मिलते हैं हेडलैम्प्स, जिनमें ये जो बीच ये जो रिंग है ये एक्चुअली DRL है और LED थ्रो है, जिस तरह आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया थ्रो इसका LED लाइट्स का है। यहाँ पे मिनी जो है उसकी बैजिंग दी गई है और यही DRL जो है वो इंडिकेटर्स में तब्दील हो जाते हैं जब ये आप इंडिकेटर्स जलाते हैं या 1000 लैम्प जलाए रखते हैं तब। बहुत ही सुंदर गाड़ी की फ्रंट डिज़ाइन लगती है। कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि JCW से ही आते हैं, ऑब्वियसली मतलब JCW गाड़ी है उसकी वजह से ये, जैसे कि यहाँ पे JCW का एम्बलम है, ये आप रेड कंटिन्यूस लाइन देख पा रही हैं, स्ट्राइप्स देख रहे हैं, ये सारा का सारा पार्ट है JCW का, तो उसी में आते हैं। और ये बम्पर मुझे एक्चुअली काफ़ी बढ़िया लगता है। उसके बाद में अगर कोई चीज़ है जो कि हाईलाइट करने लायक है, तो वो ये कैलिपर्स हैं जिन पे जॉन कूपर वर्क्स लिखा हुआ है। बहुत ही बड़े कैलिपर हैं, इनफैक्ट डिस्क जो है वो इतना बड़ा है कि इस पर्टिकुलर व्हील में एकदम ऐसा लग रहा है कि कट टू कट फिट जो है वो किया गया है। 17 इंचेस के व्हील है, आपके पास ऑप्शन है अपग्रेड करवाने का, बट इसी पे अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस तरीके से मैं इसको चला रहा हूँ इंडिया में, मैंने जितना इंडिया की सड़कों के हिसाब से जितना देखा है, ये एक्चुअली काफ़ी सही सेटअप मुझे लगा है। ये अभी भी ऐसा नहीं है कि आप गड्ढों में से एकदम फास्ट निकल जाएं, वैसी वाली चीज़ तो नहीं होने वाली है क्योंकि काफ़ी लो प्रोफाइल है, बट स्टिल जो है ये काफ़ी सही व्हील और टायर साइज़ है। 205/45R17 ये पर्टिकुलर साइज़ है टायर्स की। जॉन गुपर वर्क्स यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, एम्बलम देखने को मिल जाएगा, राउंड कलर के सिग्नेचर जो ORVMs है वो हैं, फोल्ड अनफोल्ड नहीं हो रहे हैं ये। बाकी मतलब ऑब्वियसली ये फोल्ड होने के बाद अभी मैं दिखाऊंगा आपको, काफ़ी अंदर की तरफ चल जाता है जो कि अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ है। 3 डोर है, ऑब्वियसली लॉन्ग डोर यहाँ पे आपको मिलता है, खोल के बताता हूँ मैं आपको, काफ़ी वाइड और खुलता भी है और काफ़ी लंबा दरवाज़ा ये है भी, जो कि आपको हेल्प करता है लो स्लंग कार में ईजीली अंदर एंटर कर जाने पे। अंदर की बात अभी बाद में करते हैं। उसके अलावा आपके पास में पीछे डेफिनेटली सीट्स दी गई है जिनको एयरी फील देने के लिए काफ़ी बड़ा ग्लास दिया गया है। पीछे की तरफ मैं बैठ के नहीं दिखाऊंगा आपको, बट पीछे वाली सीट जरूर दिखाऊंगा। यूनियन जैक जो है वो आपको दिख जाएगा रियर टेल लैंप्स में, जो कि अगेन एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे है। मतलब अगेन दिखाता है कि मिनी जो है वो आपको UK से ब्रांड आता है, अब ओन जो है उसको जर्मनी की BMW करती है, बट अभी भी जो है मिनी बनती UK और नेदरलैंड्स में है, जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट है। कहाँ बनती है एग्जैक्टली वो जगह मुझे नहीं पता है। रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, पार्किंग कैमरा मिलता है, मिनी यहाँ पे लोगो बना हुआ है, रियर डिफॉगर, वाइपर, वॉशर सब मिलता है, इंक्लूडिंग स्पॉयलर एज वेल। स्पॉयलर जो है वो भी एक्चुअली काफ़ी बढ़िया, जिस तरीके से जो ओवरऑल लुक्स है गाड़ी के वो भी है, एरोडायनेमिक्स में भी हेल्प करता है और मतलब लुक्स जो है उसमें भी एनहेंसमेंट जो है वो मिल ही जाता है। अब इस गाड़ी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑप्शनल है इंडिया में, कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि मतलब सनरूफ वगैरह ये है, ये इनकी प्राइजेस जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी जब आप इनको लेंगे या लेना चाहते हैं, तो मतलब मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं अगर मुझे कुछ याद आ जाएगी। बाकी आप जो है BMW इंडिया की वेबसाइट, मिनी इंडिया की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें स्टॉक है और क्या क्या चीज़ें ऑप्शनल है। चलिए यही चीज़ है। पीछे की तरफ एग्जॉस्ट जो है वो आपको ड्यूल टिप वाला मिलता है और इनकी साउंड भी एक्चुअली थोड़ी इंटरेस्टिंग है। दो कुछ गाड़ियों में कार्बन फाइबर वाले एग्जॉस्ट आपने अगर मिनी में देखे होंगे, तो वो एक्चुअली एक किट का पार्ट है जिसमें एक बटन आपको आगे मिलता है और उसके बाद उसकी साउंड भी बहुत बढ़िया हो जाती है, वो एक अलग किट का पार्ट है। ये एकदम स्टॉक है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, बट फिर भी इनकी आवाज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको अनलॉक कर देता हूँ, पेट्रोल अगर आपको फिल करना हो तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, मिनिमम 91 ऑक्टेन। चलिए
ओके, तो इंटीरियर में थोड़ा सा लाइटिंग का बदलाव आप देख पा रहे होंगे बाहर की, और उसका रीज़न ये है कि वीडियो में दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ अंदर अंदर का। तो क्यों इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, क्या करेक्टरिस्टिक लगते हैं वो बताता हूँ, और फीचर्स क्या क्या है उन सब चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दरवाजे से शुरू करते हैं। पहले दरवाजे पे यहाँ पे सॉफ्ट टच है, यहाँ पे सॉफ्ट टच है, यहाँ लेदर है, और नीचे की तरफ हार्ड इस्तेमाल जो है हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है। ये आपको स्पेस मिलता है जिसमें आप 500 ml की बॉटल जो है थोड़ा सा टेढ़ा करके डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यूज़ करेंगे आमतौर पर बाकी जो जनरल चीज़ होती है वो रखने के लिए। थोड़ा अंदर डीप है ये, इस तरफ तक यहाँ तक है ये आपके पास में दरवाज़ा ओपन करने के लिए। लॉक एंड लॉक जो है वो भी आपके पास में, इलेक्ट्रिक बटन उसके यहीं दिए गए हैं, और यहाँ ORVM के कंट्रोल है। ये दोनों फ्रंट जो है विंडोज़ उनका वन टच कंट्रोल दिया गया दोनों विंडोज़ के लिए। उसके बाद इधर ये एयरकॉन वेंट है, काफ़ी बढ़िया एकदम रोटरी टाइप जो है फील उनमें लगता है और बढ़िया लगता है। ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प यहाँ पे आपके पास में, फॉग लैम्प का कंट्रोल, और ये हेडलाइट लेवलिंग स्विच दो गाड़ी में, मतलब इस पर्टिकुलर गाड़ी में अडैप्टिव जो आपका सिस्टम होता है ना ऑटो लेवलिंग वाला, वो भी दिया जाता है, बट आपको यहाँ से भी ऑप्शन दिया गया है ऐसे भी करने का। उसके बाद में स्पीकर्स जो हैं वो दिए गए हैं गाड़ी में बहुत सारे, और आर्मन कार्डन का जो ये पर्टिकुलर सिस्टम जो लग रखा है वो एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है, उसकी आवाज़ काफ़ी बढ़िया है। मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा आपको सुना वो दूंगा। उसके बाद में गाड़ी में स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, इस तरफ जो है आपके पास में यहाँ पे कंट्रोल है वाइपर से जुड़े हुए, रेन सेंसिंग वाइपर मिलते हैं आपको, और यहाँ पे कंट्रोल है आपके पास में इंडिकेटर्स, और ये जो बटन आप देख पा रहे हैं ये बटन अगर आप दबाएंगे तो आप MID में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनको टॉगल कर पाएंगे। क्या क्या चीज़ें इधर, ये टैकोमीटर है एनालॉग में, ये स्पीडोमीटर है, बहुत सारी वार्निंग लाइट्स इसमें, ये MID है छोटी सी नीचे, और यहाँ पे ये आपके पास में फ्यूल गेज जो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। MID में क्या क्या आता है वो हम बात कर लेते हैं। तो PR&D जो है वो यहाँ लिखा आता है। उसके बाद में इस तरफ आपका टाइम दिखा रहा है, बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है, कितना ओडोमीटर चला हुआ है, ट्रिप कितनी है, मैंने 629 किलोमीटर को चला दिया है, डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद में आपको दिखा रहा है गाड़ी फ्यूल इफिशियंसी क्या दे रही है, 15 KMPL की फ्यूल इफिशियंसी मुझे मिल पा रही थी लंबे टाइम से, थोड़ी सी और कम हो गई। उसके बाद ये इंस्टेंटेनियस फ्यूल इफिशियंसी, ये एवरेज स्पीड जो भी आप मेंटेन करते हो, सब चीज़ें, कूल एंड टेम्परेचर आपको दिखाता है, ओके दिखाएगा, बट आपको इस तरीके से भी दिखाएगा कि कूल है या वार्म है, वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ दिखाता है। अब अगर आप जब मोड चेंज करेंगे तब भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो यहीं दिखाएगा, और कुछ कुछ चीज़ें चेंज भी हो जाती है मोड चेंज करते रहें, जैसे अब देखो आप यहाँ पे जो है इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी कुछ इस तरीके से भी दिखाता है, कितना फ्यूल आपने सेव किया है वो भी दिखाने लग जाता है। तो मोड चेंज करोगे तो कुछ कुछ चीज़ें चेंज जो है वो हो जाती है यहाँ पे। उसके अलावा इस फ्यूल MID में कुछ है नहीं, जो है वो इतना ही दिखाता है। स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग में आपको इस तरफ ही जो कंट्रोल देख पा रहे हैं ये सारे के सारे कंट्रोल आपको मिलते हैं, मतलब गाड़ी में म्यूजिक रिलेटेड, जैसे कि यहाँ से वॉइस कंट्रोल अगर आपको करना है, कुछ कमांड देना हो, कॉल उठाना और काटना हो, ये जो है आपके पास में म्यूजिक सिस्टम पे, जैसे म्यूजिक के कंट्रोल से जाए आपको वॉल्यूम अप डाउन करनी है, स्क्रॉल करना है, वो सब चीज़ें। अब ये स्क्रॉल ऑल करते हो तो दिखेगा कहाँ, वेल वो SUD में आपको दिखेगा, अगर आपको अभी दिख पा रहा हो तो वहाँ पे देखो FM स्टेशन में टॉगल कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है HUD को दिखाना, तो FM स्टेशन जो है उसमें टॉगल यहाँ से मैं कर सकता हूँ, या जो भी गाना चल रहा है उसके बीच में मैं टॉगल यहाँ से कर सकता हूँ। ये यहाँ पे आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल और लिमिटर का ऑप्शन है, हॉर्न पैड है, एक्चुअली स्टीयरिंग जो है उसकी ग्रिप भी काफ़ी बढ़िया है, और हॉर्न पैड वगैरह जो ओवरऑल जो है वो परफेक्ट लगता है, कोई भी शिकायत उससे जुड़ी हुई नहीं है, बढ़िया लेदर स्टिचिंग और बहुत ही बेहतरीन रैप जो है उसको किया गया है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ इसके बारे में है। यहाँ पे आपके पास में इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, और ये आप जो देख पा रहे हैं ना ये लाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि एक्चुअली अलग अलग मोड में अलग अलग काम करती है, और आप उसको सेट भी कर सकते हो किस टाइम पे उसको क्या करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मोड चेंज किया, यहाँ पे मैं चला गया मिड मोड में, यहाँ पे मैं चला गया ग्रीन मोड में, तो ना सिर्फ ये लाइट बल्कि गाड़ी में बाकी बची हुई एम्बिएंट लाइट जो है उनमें भी डिफरेंस आता है। अभी मैं रात का जो आपको शॉट दिखा रहा हूँ, ये जब भी आप मोड चेंज करते हो तो इनके कलर्स वगैरह बदलते जाते हैं, और यहाँ पे जो है इंजन RPM दिखाता है, तो आप ये देख पा रहे हो अभी हल्का सा, ये देखो ये बड़ा, तो ये इंजन RPM के साथ साथ बढ़ रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें भी कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी क्या क्या चीज़ें हैं, वेल ये पर्टिकुलर स्क्रीन जो है ये ऑप्शनल है, 6 इंच की आती है, अदरवाइज आपको अगर पैसे आप एक्स्ट्रा दो तो आप 8 इंच की स्क्रीन ले सकते हो। थोड़ा मतलब ये पैकेज है जिसमें आपको एक और पैकेज यहाँ पे लगा हुआ है वायरलेस चार्जिंग वाला, वो भी मिल जाता है। कुछ कुछ चीज़ें और जो है इस पर्टिकुलर गाड़ी में भी लगी हुई है वो पैकेज का पार्ट है। क्या क्या फीचर्स ये ऑफर करता है, वेल BMW की जो टिपिकल स्क्रीन होती है, टच इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, वो फीचर्स
है, बट लेआउट जो है उसमें काफ़ी फ़र्क है। और कंट्रोल करने का तरीका भी यही, अगर आप टच करके करना चाहें तो टच करके कर सकते हैं, और एल्स आपके पास में यहाँ पे जो है ये डायल्स वगैरह दिए गए हैं, आप इनसे कर सकते हैं। डायल्स में कुछ शॉर्टकट भी है, मीडिया, मैप, यहाँ पे आपके पास में कनेक्टेड फीचर्स वाला, यहाँ पे नेविगेशन, मेन्यू, बैक ऑप्शन, और ये पर्टिकुलर डायल जो है इसे आप कर सकते हैं। मुझे पर्टिकुलरली जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है वो ऑब्वियसली BMW में वो स्पोर्ट डिस्प्लेज वगैरह, ये जो बाकी चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाता है गाड़ी के बारे में, वो सारी चीज़ें लगती है। थोड़ा सा अलग तरीके का वो सिस्टम यहाँ है, बट स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सेम दिखाता है। वही टिपिकल सेटिंग्स आपके पास में, डोर्स की, वार्निंग, कॉन्फ़िगरेशन, ग्रीन, ग्रीन आपको कैसा चाहिए, मतलब ग्रीन लिमिट वगैरह, ये सब चीज़ें, कोस्टिंग वगैरह करते टाइम पे, बाकी मतलब बहुत सारे फीचर जो है मोड से रिलेटेड, मोड में काफ़ी सारे अल्टरेशन आप कर सकते हैं। एडेप्टिव सस्पेंशन जो होते हैं उसका भी सेटिंग्स यहाँ पे होगी, एडेप्टिव सस्पेंशन अगर आप रखते हो तो वो सब सेटिंग्स भी जो है आप यहाँ से कर पाते हैं। उसके बाद में आप पर्टिकुलर ड्राइवर से रिलेटेड भी प्रोफाइल जो है वो इसमें डाल सकते हैं। एक तो ये थोड़ी सी चीज़ मुझे और लगती है, वो ये कि मैं इसको इधर रोटेट करता हूँ तब ये नहीं चलता, इधर रोटेट करता हूँ तभी नीचे जाता है, ये थोड़ा सा और इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है। बाकी फ्लूइड है टच स्क्रीन, काम एकदम बराबर करती है, कोई भी शिकायत मुझे इससे जुड़ी हुई नहीं हुई है। मैप्स आपको इनबिल्ट ही मिल जाते हैं, अगर आपको वो यूज़ करने हो, एंड्रॉयड ऑटो वाले कारप्ले जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, एंड्रॉयड ऑटो इसमें मिलता है अगर आप एक्स्ट्रा पे करो तो वो नहीं है आपके पास में, तो आप इनबिल्ट मैप का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रहे थे, मैंने कुछ कुछ जगह उसको इस्तेमाल किया था। फिर ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे, ये सारे के सारे आपका म्यूज़िक सिस्टम या मतलब FM स्टेशन, उन सब रिलेटेड कंट्रोल है। नीचे की तरफ ये आपके AC से जुड़े हुए कंट्रोल है। अब यहाँ पे AC से जुड़े हुए जितने भी कंट्रोल है इसमें, और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिख रहा होगा कि ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, नॉब्स जो है वो यहाँ दिए गए हैं, और नीचे जो है कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं जैसे कि मैक्स AC, डीफॉगर वगैरह, रीसर्कुलेशन वगैरह का ऑप्शन है, ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ये मैक्स फ्रंट डीफॉगर मैक्स AC का ही है। फिर नीचे आती है एक क्लासिक कैरेक्टर्स जो है आपके एयरक्राफ्ट टाइप वाले, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला बंद करना, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप वाला, इंजन ऑन करना हो तो उसके लिए ये है, ये आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल से डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल जिसको कहा जाता है उसके लिए टॉगल करना हो तो, और यहाँ पे मोड चेंज करने हो तो स्पोर्ट, ग्रीन और मिड मोड के लिए आपके पास में ऑप्शन है ही। एक तो एक चीज़ मैं भूल गया, जब भी आप स्पोर्ट मोड पर डालते हो तो यहाँ पर ऑप्शन आया था कि भैया आपको स्पोर्ट डिस्प्ले चलानी है क्या, स्पोर्ट डिस्प्ले कुछ ऐसी दिखती है जो आपको दिखाती रहती है कि आप क्या पावर और टॉर्क जो है वो आपका इंजन आपको बना के दे रहा है। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे कभी होल है, दो छोटे छोटे स्पेस है, एक कभी होल यहाँ पे दिया गया है, और इसके पास में अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये एक 12 इंच का यहाँ पे 12, ये एक 12 वी का सॉकेट है यहाँ पे, और इसमें सिगरेट लाइटर भी लग रखा है, यहाँ पे दो USBs है, थोड़ा सा कभी होल है। नीचे एक दो कप होल्डर दिए गए हैं जिसमें एक ऐश ट्रे जो है वो इसमें यहाँ पे है, ये गाड़ी की चाबी यहाँ रखी हुई है अभी। उसके बाद में ऐसा सा गियर नॉब आपको मिलता है, थोड़ा सा इसको ओल्ड फैशन या मतलब राउंड राउंड टाइप में दिया था तो ज़्यादा बेहतर आई गेस ये बाकी कैबिन के साथ में मैच कर पाता, बट अभी ऐसा मिलता है PR&D। आप यहाँ पे डी मोड, आर मोड पे जाना है तो कुछ आप ऐसे जा सकते हैं, डी मोड पे हो तो इधर शिफ्ट करने पर आप ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मोड वगैरह में जा सकते हैं। नीचे की तरफ जो कंट्रोल्स मैं आपको बता रहा था, लीवर यहाँ पे है, हैंड ब्रेक यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास में ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइडिंग व्लाइडिंग तो नहीं होती है, बट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि किस लेवल पे जो रहनी चाहिए इससे रहनी चाहिए और नीचे रहनी चाहिए, इनफैक्ट जब ये ना लगाओ तो ये और नीचे जा सकती है, तो आप इसको एडजस्ट इस तरीके से कर पाते हैं। और आप यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी ऑप्ट कर सकते हैं, तो ये वायरलेस चार्जिंग अभी इस पर लगी हुई है। प्रॉब्लम ये है कि वायरलेस चार्जिंग में जो स्पेस है वो थोड़ा छोटा है, तो रेगुलर फ़ोन्स जो है वो आ नहीं पाते हैं। आजकल क्या फ़ोन्स बड़े हो गए, चार्ज करता है, चार्ज करने लग जाएगा पर थोड़ी थोड़ी देर में हिल के जो है वायरलेस चार्जिंग बंद कर देगा, तो ये थोड़ा सा छोटा है ये इसकी प्रॉब्लम है। बट मैं तो आमतौर पर सिर्फ अपना मोबाइल जो है वो ऐसे ही यहाँ पर रख देता हूँ और कोई भी इस्तेमाल जो है इसका नहीं कर रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सीट्स वगैरह की। अब सीट्स देखो, सीट्स का क्या सीन है कि सीट्स की बोस्टर सपोर्ट जो है वो बहुत बढ़िया है, नीचे से भी बकेट टाइप जो भी चीज़ें हैं, थाई सपोर्ट भी एक्चुअली आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये चीज़ों से जुड़ी हुई कोई शिकायत नहीं है। मैनुअली एडजस्टेबल है विच इज़ अंडरस्टैंडेबल कि भैया मैनुअली एडजस्टेबल, एक्चुअली सीट की बात हम थोड़ी सी बाहर जाके करेंगे, यहाँ से आपको प्रॉपर व्यू नहीं आ पाएगा, बाकी चीज़ों की बात अभी हम कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास में ग्लोव बॉक्स है जो कि काफ़ी छोटा है, इनफैक्ट ये पर्टिकुलर जो बॉक्स है बस ये बॉक्स ऐसा ही चीज़ आ सकती है, इल्यूमिनेटेड है बट छोटा है, कोई ज़्यादा स्पेस यहाँ पे नहीं है। अगेन पैसेंजर साइड डोर्स में भी वही है। अब आप सोच रहे होंगे बॉटल होल्डर दिए ही नहीं है, वेल बॉटल होल्डर पीछे है और तीन है, अभी पीछे वालों की भी हम बात करते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वेल यहाँ पे कुछ स्विचेस हैं, जैसे कि यहाँ पहला स्विच आपका लाइट का है, दूसरा स्विच जो है वो ये एम्बियंट लाइटिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटी छोटी इनका है, जिनका कलर चेंज हो जाता है इसको दबाने से। और उसके बाद में आप ये जो स्विच देख पा रहे हैं ये सनरूफ का कंट्रोल है। तो आपको दो सनरूफ मिलती है, मतलब पहली सनरूफ यहाँ है जो कि एक्चुअली ओपन होती है, थोड़ा सा और ओपन ये हो जाएगी, इतनी ये ओपन हो जाती है। दूसरी सनरूफ जो है आपके पास में पीछे है, लेकिन इसका सिर्फ शेड ही हटता है, ये ओपन नहीं होती है। और वहाँ पे जाके ये वाली सनरूफ अभी खुली है तो उसके ऊपर आपको दिख रही है। तो ये आपको जो है दो सनरूफ मिलती है गाड़ी में, इसको मैं कम्प्लीटली बंद कर देता हूँ। ओके, ये चीज़ें हैं। बट ये जो सन वाइज़र है यहाँ पे तो ये अपना काम बखूबी कर देता है, इसमें वैनिटी मिरर भी है, लाइट्स भी है, लेकिन इधर कोई काम का नहीं है। आप देख पा रहे हो इतना स्पेस छोड़ देता है, अपने से दुगना स्पेस ही यहाँ पे छोड़ देता है। तो यहाँ ये कोई काम का नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली ये अपना काम बखूबी कर देता है। HUD वगैरह उसकी प्लेसमेंट जो है उसमें भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। स्पीकर सिस्टम एक्चुअली गाड़ी का बहुत ही बेहतरीन है, जो कि काबिले तारीफ है डेफिनेटली इस गाड़ी के बारे में। उसके बाद अब हम चलते हैं बाहर और मैं बाहर आपको दिखाता हूँ, सीट के बारे में बात करते हैं, फिर रियर सीट की बात भी वहीं से करते हैं। गाड़ी में कई जगह JCW की एम्बलम जो है वो बना हुआ है। अब सीट्स जो है उनकी हम बात कर रहे थे, तो बोल्से सपोर्ट बढ़िया है, बकेट टाइप सीट्स है, मतलब बैठने बैठने में कोई इशू नहीं है, बट लंबे जर्नी के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है, उतना कंफर्ट दे नहीं पाती है। लंबा सपोर्ट आप थोड़ा बहुत एडजस्ट जरूर कर पाते हो, और हाइट जो है सीट की वो भी एक्चुअली काफ़ी हद तक आप एडजस्ट कर पाते हो, बट स्टिल ये लंबी जर्नीज में कंफर्टेबल नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये टूरर वगैरह के हिसाब से तो गाड़ी बनाई नहीं गई है, लेकिन ये आपको कॉर्नर्स वगैरह पे होल्ड जो है वो बहुत ही सही तरीके से करती है। ये लेवर आपके सीट की हाइट डाउन करने का, ये लेवर आपकी रिक्लाइन करने का, और अगर आपको ये सीट यहाँ से ये लेवर पकड़ के खींचेंगे तो बेसिकली आपके पास में पीछे जाने का रास्ता है। अब मैं पीछे बैठ के दिखाना तो नहीं चाहता था क्योंकि मुझे लगा मैं फंस जाऊँगा, बट मैं रिस्क ले लेता हूँ। ओके ओके, तो मैं बैठ तो गया हूँ पीछे, बट ये सीट पीछे करने का ज़्यादा लॉजिक होगा नहीं, क्योंकि देखो इतना सा स्पेस यहाँ पे बचेगा। सीट में मैगजीन होल्डर्स वगैरह दिए गए, एमिनिटीज़ पीछे जो है काफ़ी दी गई है। एक देखो ये चार्ज यहाँ पे जो है आपके पास में बॉटल होल्डर दिया गया है, एक बॉटल होल्डर ये आगे वालों के लिए बट पीछे वाला काम में ले सकता है, ये भी पीछे जो है बॉटल होल्डर है। यहाँ पे स्पीकर दिए गए, हरमन कार्टर की बैजिंग है वहाँ पे, और सीट बेल्ट्स जो है वो प्रॉपर थ्री पॉइंटर्स वाले, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है आपके पास, सनरूफ भी है आपके पास में, हुक्स भी है दो, इनकी जगह अगर रीडिंग लैम्प वगैरह दिया था तो इन अंदर की लाइटिंग जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर हो पाती। बट मतलब आपके पास में पीछे बैठने लायक जो है उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, बेटर है छोटे छोटे बच्चे अगर आपके हो तो उनको आप कभी ऐसे ही ट्रैक डे वगैरह पे जा रहे हो तो उनको दिखाने उखाने के लिए ले जाओ तो वो ठीक है। बाकी मतलब थोड़ा सा मुश्किलात ये पीछे अगर एडल्ट्स को बैठना हो तो ज़्यादा देर के लिए बैठ नहीं पाएंगे। होल्ड तो पीछे वाली सीट्स भी आपको काफ़ी बेहतर करती है नो डाउट। बूट की बात कर लेते हैं, अब बूट जो है वो काफ़ी छोटा है, मिनी है बूट, बट आप ये सीट जो है वो 60-40 उस मोड में स्प्लिट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा स्पेस ज़रूर आपके लिए क्रिएट हो जाता है। तो आम तौर पे बूट्स आप जो है नीचे गिराकर अपना लगेज रखेंगे, मोस्टली जो बायर्स जो इसको ख़रीदेंगे वो टू सीटर के तौर पे ही जो है इसको देखते होंगे, और उस हिसाब से जो है बूट काफ़ी हो जाएगा जब आप सीट्स वगैरह फोल्ड करते हैं। तो ईजी मैकेनिज्म है सीट फोल्ड करने का भी, कुछ भी उसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको सिंपली यहाँ से ऐसे गिरानी है। अभी ये देखो आप एक लैपटॉप बैग है जो भी सीधा रख रहा हूँ, तो ये ट्रे जो है वो नीचे नहीं आ पाएगी, ये ट्रे प्रॉपरली नीचे नहीं आ पाई है, ये चीज़ें। चलिए ड्राइव करते हैं। ओके okay, तो आप ड्राइविंग सीट से बात करते हैं मिनी JCW की। जिन भी लोगों को जब मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि कहीं से भी हल्की फुल्की स्विफ्ट की याद दिलाती है, जिनका मन कर रहा है स्विफ्ट लिखने का, उनको मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। 100 की स्पीड लिमिट है हमारे पास, थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हो जाए। ओके, स्पोर्ट मोड, ट्रांसमिशन इन स्पोर्ट, स्पीड लिमिट 100 की है, और एक्चुअली मिनी JCW को चलाने का मज़ा जो है वो ट्रैक्स पे है, और यही एक चीज़ अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाया हूँ, मैं इसको ट्रैक्स वगैरह पे नहीं ले जा पाया हूँ, ना ही कोई मुझे प्राइवेट रोड इस बार मिली जहाँ पे मैं बहुत ही मतलब कहते हैं ना मेरी मन की इच्छा पूरी कर लेता मिनी JCW को चलाने वाली। अब यहाँ पे 231 हॉर्स पावर और 320 NM का टॉर्क जो है वो आपको मिनी JCW के इस 2 लीटर इंजन से मिलता है। अब BMW में ये पूरी ग्रुप में जो है ये पर्टिकुलर 2 लीटर इंजन बहुत इस्तेमाल किया जाता है, प्लस ये इंजन मेटेड है 8-स्पीड गियरबॉक्स के साथ में, वही ZF Source गियरबॉक्स जो हमने काफ़ी सारी BMWs में देखा है।
अब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन मिनी जैसी डब्ल्यू में जो है बेहतरीन लगता है, जो पावर और टॉर्क फिगर से, खासतौर से टॉर्क जिस तरीके से बहुत ही लो 1400 आरपीएम पे ही आ जाता है, तो ये ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही बढ़िया बैठता है इस पर्टिकुलर साइज़ की गाड़ी के लिए। चलाने में मज़ा है, आपको अलग अलग मोड्स मिलते हैं, आपको कई ऐसी चीज़ें हैं मिनी के बारे में जो मतलब लोगों को पता है कि सिर्फ मिनी में वो फील है, वो सारी फील यहाँ मौजूद है। अब एक एक चीज़ों की बात जो है वो हम कर लेते हैं जैसे रेगुलरली हम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी जो है गाड़ी की एक्चुअली काफ़ी अच्छी है, आपको जो है ORVM IRVM दोनों से डिसेंट, ORVM से डिसेंट विजिबिलिटी, IRVM से ठीक ठाक विजिबिलिटी है। मतलब आसपास जो भी बाकी ग्लास एरिया है वो भी बहुत अच्छा है। ए पिलर जो है वो भी इतना थिक नहीं है, जो इसके बारे में अच्छी चीज़ है। मैं आपको ग्रीन मोड पे चलाता हूँ ताकि थोड़ी सी आवाज़ कम हो जाए। तो ए पिलर जो है वो भी इतना थिक नहीं है, जो कि इसके बारे में अगेन एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में गाड़ी में एकमात्र विजिबिलिटी वाला इशू जो मुझे लगता है वो ये है कि फ्रंट में जो है, क्योंकि इतना बेटर दिख नहीं पाता है, थोड़ा लो बैठते हैं, तो बेटर होता कि फ्रंट पार्किंग सेंसर्स गाड़ी में दिए जाते हैं इस स्टॉक में, तो वो चीज़ जो है वो नहीं आती है, तो वो एक हल्का सा इशू मुझे यहाँ पे लगता है। उसके बाद में हम बात करते हैं अर्गोनॉमिक्स की। तो अर्गोनॉमिक वाइज मुझे गाड़ी में कोई भी ऐसा मेजर चीज़ या मेजर शिकायत जो है वो नहीं मिली है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो है टिपिकल कार जो होती है आपकी उनसे अलग है। एयरक्राफ्ट स्टाइल लिवर्स है ऊपर नीचे जहाँ आप देखते हो वहाँ, जो कि हो सकता है जब आप ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग इनिशियल डेज में होगा, बट आप यूज टू इसमें हो जाओगे अगर आप रेगुलरली जो है अपनी गाड़ी चलाते हो। अगर आप बहुत टाइम बाद में अगर देखते हो तो वहाँ थोड़ा सा आपको एर्गोनॉमिक वाले चोल का सा लगता है। दो इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ है, जैसे MID की हम बात कर रहे थे कि MID जो है छोटी है, उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की यूजुअली आजकल डिजिटल वाली देखी जाती है। बट जो HUD है वो काफ़ी सारी चीज़ें दिखाती है, जैसे अभी वो दिखा रही है किस स्पीड पे गाड़ी चल रही है। और जब भी मैं स्पोर्ट मोड में जैसे शिफ्ट करता हूँ तो वहाँ पे RPM जो है नीडल भी आ गई है, वो भी दिखाता रहता है कि RPM क्या चल रही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो उसमें आ जाती है, वो अगेन एक बेहतर चीज़ जो है इसके बारे में है। कोई भी एर्गोनॉमिक वाइज इशू जो है वो आपको नहीं आता है। फिर दो चीज़ें ऐसी है जिनकी हम बात करते हैं, अधिकतर ड्राइविंग कंफर्ट और राइड क्वालिटी दोनों की एक साथ ही बात कर लेता हूँ। ये पर्टिकुलर गाड़ी मिनी जो है वो कभी भी राइड कंफर्ट या ड्राइव मतलब जो कंफर्ट होता है उस हिसाब से इनको ट्यून नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर आप 20 के आसपास 20-30 की स्पीड पे मतलब शहर में छोटे मोटे बम्प्स वगैरह से निकल रहे हो तो ये 17 इंचेस के जो व्हील्स है उसमें जो टायर्स लग रहे हैं उनके साथ साथ ठीक काम करता है, कोई इशू बड़ा नहीं है, ना ही आवाज़ आती है। बट शार्प बम्प पे आप हिट करो, तेज़ स्पीड में अगर आपको निकलना हो तो वहाँ पे ना सिर्फ सस्पेंशन स्टिफ है, उनका ट्रेवल कम है, बल्कि उनमें आवाज़ जो है वो भी कैबिन में आ जाती है। अब ये ऐसा इसके लिए नेगेटिव नहीं कहा जा सकता है, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक जो है गाड़ी का वो यही है कि जब आप इसको ट्रैक पे ले जाएं, जब आप मतलब प्रॉपर गो कार्टिंग वाला फील जो है वो इस गाड़ी से आता है, और कई लोग इसको एक्चुअली गो कार्ट वाली फीलिंग वाली ही गाड़ी कहते हैं, काफ़ी फेमस है ये उस पर्टिकुलर गो कार्ट से भी सिनोनिम काफ़ी लोग इसको करते हैं। तो वो उस तरीके की जो हैंडलिंग है, उस तरीके की ड्राइविंग डायनेमिक्स है, उनको अगर रखा जाना है तो आपको राइड कंफर्ट और पूरा ड्राइव कंफर्ट वगैरह जो है वो नहीं मिल पाएगा, उस तरीके की राइड क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। सस्पेंशन यहाँ पे ट्रैवल भी कम है, स्टिफ भी रखे गए, और उसका मज़ा जो है वो आता है जब आप इसको ड्राइव करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हैंडलिंग कैसी है। हैंडलिंग जो है वो गाड़ी की बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही अच्छी है। आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मोड्स मिलते हैं, जैसा कि मैं बता रहा था ग्रीन, मेड, स्पोर्ट्स, तीन मोड मिलते हैं। अभी ग्रीन मोड में है, तो ग्रीन मोड में स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा लाइट है, मतलब स्टिल मोस्ट ऑफ द कार्स जो है उससे ज़्यादा वेट इसमें है और उससे ज़्यादा प्रिसाइज वो है। मिड मोड पे थोड़ा सा वेट आता है, और स्पोर्ट मोड पे अगर मैं आऊँ तो काफ़ी बढ़िया वेट इसमें आ जाता है और बेहतरीन प्रिसाइजनेस उसमें आ जाती है। चाहे आप सिटी स्पीड पे हो, चाहे आप हाईवे की 70-80 की स्पीड पे हो, चाहे आप ट्रैक पे कॉर्नरिंग कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर स्टीयरिंग जो है आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। मुझे काफ़ी जो है पसंद ये स्टीयरिंग आया। ठीक है, शहर में कुछ टाइट स्पॉट्स पे पार करते हो थोड़ा सा आपको मेहनत लगती है, बट काफ़ी स्मूथ है, तो ऐसे कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ स्टीयरिंग के बारे में नहीं होती है। बहुत ही बढ़िया स्टीयरिंग मुझे ये लगा है, आप इसको एडजस्ट भी डेफिनेटली कर पाते हैं। उसके बाद में आप अगर बात करें कि गाड़ी की
डायनेमिक्स कैसी है इन टर्म्स ऑफ यू नो हैंडलिंग और ओवरऑल जिस तरीके से जा रही है, तो अगेंस्ट जो सस्पेंशन है वो बहुत ही सही ट्यूनिंग के साथ में दिए गए हैं, काफ़ी सही डायनेमिक्स उसकी आती है। एक्टिव सस्पेंशन भी आते हैं ऑप्शन, आप अगर आप लेना चाहें तो एक्टिव सस्पेंशन का ऑफर जो है वो आप ले सकते हैं, और उससे थोड़ा सा और बेहतरीन आपको जो है एनहैंसमेंट मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ डायनेमिक्स। बाकी मतलब मुझे किसी तरीके की कोई शिकायत जो है उनसे जुड़ी हुई भी नहीं है। फिर बात आती है इंजन और गियरबॉक्स की। अब अगर आप राइड और ड्राइविंग कंफर्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फॉल्ट निकाल पाएँ तो निकाल पाएँ, लेकिन जो इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो जो है माइंड ब्लोइंग है। ट्विन पावर टर्बो, वो एक्चुअली ट्विन टर्बो नहीं है, बेसिकली वो ट्विन स्क्रॉल टर्बो है, और उसकी मदद से जिस तरीके से पावर की डिलीवरी होती है, जिस RPM बैंड पे टॉर्क मिलता है वो बेहतरीन है। मतलब आपको ये एक और अच्छी चीज़ है इस इंजन के बारे में कि एक्चुअली पावर तो देता ही देता है, बट आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी फिगर भी दे देगा अगर आप इसको सही मोड में चलाओ। जैसे मैं ग्रीन मोड में चला रहा हूँ और 80 पे क्रूज में कर रहा हूँ और इंजन RPM है 1200 पे, जो कि एक्चुअली काफ़ी लो है। रीज़न बीइंग आपको अगर थोड़ा बहुत टॉर्क वगैरह ज़्यादा चाहिए तो 1450 RPM पे तो पीक टॉर्क निकल जाता है इसका, तो इस पर्टिकुलर RPM बैंड के आसपास जब आप क्रूज़ कर रहे हो तो हाईवेज पे आप एक्चुअली मतलब 90 के आसपास के स्पीड पे हाईवे पे आप एक्चुअली 19-18 किलोमीटर पर आर की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल पाते हो, जो कि इसके लिए कमाल है। बस ये ग्रीन मोड में ही होता है, ऑब्वियसली आप स्पोर्ट मोड या मिड मोड में मोस्टली जाएंगे, मिड मोड में भी एक्चुअली इतनी फ्यूल एफिशिएंसी आ जाती है, बट अगर आपको मतलब सिटी की जानी हो तो सिटी में ये 11.5 निकाल देगा ग्रीन मोड में, जो कि एक अच्छा मोड है। एक्चुअली आप ग्रीन मोड में सिटी में चलाएं मोस्टली, और जब आप ओपन रोड्स पे हो या आप ट्रैक वगैरह पे जा रहे हो तो आप अपने स्पोर्ट्स मोड में आ जाए, जो बचाओ आप फ्यूल है वो आप वहाँ पे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे पूरी पावर जो है वो फ्यूल आपको बना के दे देता है। तो जिस तरीके का इंजन गेयरबॉक्स ट्यूनिंग है वो कमाल है। इंजन रेव वगैरह कितना करता है, कर पता है कहाँ कितनी पावर है? वेल पीक टॉर्क तो जो है वो 1500 RPM से पहले ही आ जाता है, बट अगर आप 2000 RPM से लेके 6000 RPM के बीच में, तो वहाँ पे जो है असली चार्म इस पर्टिकुलर मतलब इस पर्टिकुलर इंजन का है, और इसी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करते हुए गियरबॉक्स जो है वो ट्यून किया गया है। गियरबॉक्स की बात कर लेते हैं एकदम डिटेल में, तो यहाँ पे ZF सोर्स 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर यूनिट इस्तेमाल किया गया है, और ये जो पैडल शिफ्टर्स है ये एक्चुअली मतलब काम के नहीं आते हैं उतने, इतना बेहतरीन ये गियरबॉक्स हो गया इसकी वजह से। मतलब देखो यूजुअली क्या होता है, जब भी पैडल शिफ्टर्स किसी कार में होते हैं तो मैं काफ़ी मतलब उनको इस्तेमाल करता हूँ प्लस माइनस से करते हुए, बट यहाँ पे ये पर्टिकुलर गाड़ी में यूजुअली BMW की कार्स में जो है पैडल शिफ्टर्स कम इस्तेमाल करने को होते हैं, क्योंकि आमतौर पे गियर हमेशा जो है करेक्ट गियर में हो जाता है, मतलब गियरबॉक्स जो है हमेशा करेक्ट गियर में गाड़ी को रखता है। वही चीज़ यहाँ पे मिनी JCW के साथ में है। आपको एक कभी कभार ऐसा होगा कि डाउनशिफ्ट करते टाइम पे एक छोटा सा डिले टाइप आपको फील होगा, उसके अलावा आप जो है गियरबॉक्स में कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी ट्यूनिंग उतनी बढ़िया नहीं है, या मतलब गियर रेशियोज़ भी जो है वो कमाल के हैं। अब कैसे क्या चीज़ें हैं, वेल जब आप मोड बदलते हैं मिड मोड, ग्रीन मोड, स्पोर्ट मोड में, तो आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा चेंज होता है, और RPM पे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, कि ट्रांसमिशन जो है वो उतना ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आता है। लेकिन आपके पास में ऑप्शन है यहाँ पे गियर स्टिक में कि आप लीजिए स्पोर्ट मोड में मैं आया। अब देखो RPM इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, लगभग 2000 के आसपास ही है, लेकिन यहाँ मैंने शिफ्ट किया, RPM गोज अप। मतलब गाड़ी जो है इवन थर्ड से फोर्थ गियर में शिफ्ट हो रही है, उस वक्त भी जो है हल्का सा एकदम ऐसे झटका सा टॉर्क का आ जाता है, इतना सर्ज जो है टॉर्क और पावर का है, और प्लस गियरबॉक्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो गियरबॉक्स जो है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं हमेशा 2500-3000 RPM से ऊपर, जैसे आपको स्पोर्ट मोड में उसको डालना है। आप मैनुअली यहाँ से भी शिफ्ट करते हैं, पैडल शिफ्टर से जो है उनसे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मोस्टली आप इसको स्पोर्ट मोड में रखेंगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, और हर बार जब आप स्पोर्ट मोड में इसको लॉन्च करते हैं गाड़ी को, तो आप मेहनत करो या ना करो आपको एक्सीलरेटर पेडल पे पांव रखना है, गाड़ी जो है उसका ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है, इतना ज़्यादा व्हील स्पिन जो है वो वहाँ पे होने लग जाता है, टॉर्क जो है उतना अवेलेबल वहाँ पे है। तो जिस तरीके की ट्यूनिंग गियरबॉक्स की है, जिस तरीके की ट्यूनिंग इंजन के साथ में उसकी है, मुझे ये कमाल कॉम्बिनेशन जो है वो नज़र आता है। बाहर कुछ कंट्रीज़ में एक 6-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन भी आता है इस पर्टिकुलर JCW के साथ में, इंडिया में वो ऑप्शन नहीं आता है, बट फोरम्स वगैरह पे जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने वीडियोज़ वगैरह में देखा है, उस पर्टिकुलर गियरबॉक्स के भी कई दीवाने हैं। ऑब्वियसली मिनी की जो है एक रेस्पेक्ट
खासतौर से यूके वगैरह में थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट है इस तरीके की गाड़ी को चला के इस्तेमाल करने का अगर आप के पास में, ऑब्वियसली सेकेंडरी कार ही मोस्टली मिनी जो है लोगों की होती है, कोई भी प्राइमरी व्हीकल नहीं रख पाता है मिनी को, तो वो एक चीज़ है। अगर आप भी उसी कैटेगरी के हैं, उनको एक सेकेंडरी व्हीकल चाहिए और आपके पास में अच्छी सड़कें या ट्रैक्स मौजूद है आसपास, तो मिनी JCW एक्चुअली आपको ट्राई करनी चाहिए, मज़ेदार चीज़ ये हो सकती है। फिर बात करते हैं NVH और ब्रेकिंग की। तो NVH जो है मतलब ठीक है, इंजन जो है जब आप ग्रीन मोड पे हो, लेट्स अस्यूम मैं अभी ग्रीन मोड पे लाता हूँ, तो ग्रीन मोड पे इंजन जो है उसमें काफ़ी शांत वो चलता है, रोड नॉइज ही आपको आती है, और एग्जॉस्ट साउंड जो है वो डेफिनेटली आपको स्पोर्ट मोड पे डाल के हल्की सी क्रैकलिंग पॉपिंग जो है वो शुरू हो जाती है जब भी आप एक्सेलरेटर छोड़ते हैं। उतना लाउड नहीं है, द ओनली थिंग इज़ के थोड़ा सा और ज़्यादा स्पोर्टी नेचर उसका होता तो वो एक अच्छी चीज़ होती, वो उतना तो उसमें नहीं है, बट फिर भी थोड़ी बहुत क्रैकलिंग पॉपिंग आप जो है वो सुन पाते हैं। ओवरऑल नॉइज़ वाइब्रेशन हार्शनेस लेवल जो है वो कंसिडरिंग मिनी काफ़ी अच्छे हैं, कोई भी शिकायत मुझे उनसे जुड़ी हुई भी नहीं है। जस्ट आप इन प्राइस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से अगर आप कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि इसके NVH काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि फिर बाकी गाड़ियां जो है उस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं आपके कंफर्ट वाइज हिसाब से, यहाँ पे आप इंजन की नॉइज़ और अगर आप एग्जॉस्ट की नॉइज़ नहीं सुनते हैं तो वो फील आपको नहीं आ पाता है। ब्रेकिंग लास्ट चीज़ बची है, ब्रेकिंग एक्चुअली गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, 4 डिस्क सेटअप जो है वो कमाल काम करता है, प्रिसाइजनेस है ब्रेकिंग में, जब आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो गाड़ी स्टेबल है, चैसी जो है वो काफ़ी सॉर्टेड है उसकी वजह से, सस्पेंशन चैसी का जो ट्यूनिंग है। हाँ, जब आप सिटी स्पीड्स पे होते हो तो आप मतलब सिटी स्पीड जैसे अज्यूम 30 वगैरह और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो तो कभी कभार आपको लगता है कि इनिशियल बाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब एकदम से पकड़ जो है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके अलावा मुझे कहीं भी कोई ब्रेकिंग से जुड़ी हुई शिकायत नहीं हुई, स्टॉपिंग पावर से जुड़ी हुई शिकायत नहीं हुई, चाहे आप 100 की स्पीड पे हो, चाहे आप मतलब इलीगल ट्रिपल डिजिट स्पीड पे हो या और कोई स्पीड पे हो, किसी भी जगहों पे कोई ऐसा बाइट रिलेटेड प्रॉब्लम या फीडबैक रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो नहीं हुआ है। एक रिलेटिवली स्मॉल बैच हमारे पास फिर से है जिसमें हम 100 कर सकते हैं, ट्रांसमिशन इन स्पोर्ट्स, लेट्स डू। बेहतरीन बेहतरीन, काफ़ी इन्जॉय मैंने एक्चुअली मिनी JCW को किया है। तो ये सब कुछ है मिनी JCW यानी जॉन कूपर वर्क्स के बारे में, किसके लिए ये गाड़ी। वेल, अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो कि आपका वो फन टू ड्राइव वाला फील जो है वो आपको दे पाए, कॉम्पैक्ट हो, गो कार्टिंग टाइप वाला फील जैसे हम बात कर रहे थे ड्राइविंग इंप्रेशन में, वो आपको चाहिए और आप इस पर्टिकुलर बजट के आसपास को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप मिनी JCW ट्राई तो कर सकते हैं, बट आप इसको अपनी प्राइमरी कार की तरह जो है ना ट्रीट करें। ऑब्वियसली जो लोग इसे खरीदेंगे वो ऑलरेडी जानते होंगे कि किस लीनिएज के थ्रू जो है JCW को बनाया जा रहा है और क्या फील जो है वो दे पाती है, तो वो चीज़ें हैं। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी मुझे लगता है कि मिनी JCW में और डाल दी जाए तो शायद ज़्यादा बेहतरीन टेम्पटिंग पैकेज हो जाएगा। जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कुछ फीचर्स जो कि इसी पर्टिकुलर बजट के BMW कार्स में आते हैं बट मिनी में नहीं आते, तो वो चीज़ें डाला जाए तो एक जस्टिफिकेशन प्राइस को मिल जाएगा। बाकी जिस तरीके से गाड़ी है, चलती है, इंजन है, गियरबॉक्स है, उसमें कोई शिकायत जो है वो मुझे नहीं है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।